सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, वीवो फ़ोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं चार्जिंग एनिमेशन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आल वीवो मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं चार्जिंग एनिमेशन के बारे में, कैसे इसको यूज करेंगे चार्जिंग एनिमेशन अपने फ़ोन में, और एंड्रॉयड 10 के अपडेट में देखने को मिलता है। तो मैं आप लोग को चल के बताऊँगा कैसे आप लोग वीवो के किसी भी फ़ोन में और अदर फ़ोन में आप लोग कैसे यूज करेंगे चार्जिंग एनिमेशन, तो उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम आप लोग को दिखाते हैं चार्जिंग एनिमेशन कैसे आप लोग अपने फ़ोन में यूज करेंगे, चाहे वीवो का कोई भी फ़ोन हो उसमें आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो अच्छे से काम करेगा। तो एक ऐप्स है, ऐप्स को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग को जाके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूँ वो ऐप्स कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से इंटरफेस मिल जाता है, तो इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करते हैं तो कुछ यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आप लोग को परमिशन दे देना, मैं पहले से ओपन करके रखा था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को जाना है चार्जिंग एनिमेशन पे। तो इस चार्जिंग एनिमेशन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कलर पर टिक लगा देना है और फर्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे चार्जिंग एनिमेशन को। तो इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से सेटअप हो जाएगा चार्जिंग एनिमेशन। और नीचे आप लोग को क्या करना होगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपने साइज़ को बड़ा रखना चाहते हो तो बड़ा हो जाएगा, छोटा रखना चाहते तो छोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर टिक लगाना तो इस पे कुछ टिक लग जाएगा आपका, और यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ से अपने फ़ोन में कलर चार्जिंग एनिमेशन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं अपना फ़ोन चार्ज में लगा दिया हूँ, अब आप लोग को दिखाता हूँ इसके चार्जिंग एनिमेशन। तो मैं आप लोग को चार्जिंग दोस्तों कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, तो देखने में भी बेटर लगता है। आप अपने फ़ोन में अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के डिज़ाइन में दिखाता हूँ आप लोग को मिलेंगे इसमें। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको चार्ज फिर से जाना चार्जिंग एनिमेशन पे और फर्स्ट पे क्लिक करना है। और नीचे आप लोग को इस पर अगर सेटअप करते हैं तो कुछ, फिर एक बार मैं लॉक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अपने दिखाता हूँ मैं, तो जैसे कि यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा अभी एक बार, और इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे चार्जिंग एनिमेशन इसमें हैं, आप लोग अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इस पे नीचे वाले पे आप लोग को अगर क्लिक करना है और यहाँ पर एक बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऐड आएंगे, तो ऐड को आपको चलने देना है, स्किप नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पर ऐड कुछ चलेंगे 15 सेकेंड के होंगे, तो इसको चलने देना है, स्किप नहीं करना है। तो ऐड चलने के बाद आपका यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, कुछ ऐड आ रहे हैं तो इसको स्किप नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे ऐड ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आपको जाना फिर से अपने इस पर और इसको इस पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका चार्जिंग एनिमेशन सेटअप हो जाएगा। और सेटअप होने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से अपने फ़ोन को लॉक करना होगा। करेंगे तो कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, डिज़ाइन में यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बहुत सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आप लोग को चल के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से जाते हैं अपने फ़ोन में, यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करने के बाद आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब यहाँ से आपको जाना है अपने चार्जिंग एनिमेशन पर। तो यहाँ पर जो कि जो ऐप से इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ से सेटअप करना होगा। जैसे कि इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये सेटअप हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे तरीके के देखने को मिल जाते हैं। इसको मैं सेटअप कर लिया हूँ, अब मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी जाके अपने फ़ोन में इस ऐप्स को डाउनलोड करके सेटअप कर सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन। और एक इसके डिज़ाइन एक और है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे नीचे चलते हैं और इस पर मैं आप लोग को क्लिक करके दिखाता हूँ।
इस पे हो गया दोस्तों। तो इसको सेटअप करने के बाद आपको जाना फिर से, फिर अपने फ़ोन को लॉक करना है। तो कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन इसमें देखने को मिल जाएगा, आप लोग को दिख रहा है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। बहुत अलग अलग तरीके का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, तो आप लोग अपने फ़ोन में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, बेटर लग रहा देखने में आप लोग को दिख रहा। और इससे फास्ट चार्ज भी आपका फ़ोन होगा, बहुत फास्ट चार्ज होगा, जो कि आप लोग अपने फ़ोन में इस चार्जिंग एनिमेशन को यूज करेंगे तो बेटर होगा दोस्तों। और इससे फास्ट चार्ज आपका फ़ोन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आप लोग को चार्जिंग एनिमेशन का देखने को मिल जाएगा, 5-6 तरीके का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो लॉक खुल जाएगा, और इस तरह से आप लोग जाके अपने फ़ोन में चार्जिंग एनिमेशन को सेटअप कर सकते हैं। वीवो के कोई भी फ़ोन में, जैसे कि थंबनेल में आप लोगों को बताया, ऑल वीवो मोबाइल यूजर्स, दोस्तों आप लोग किसी भी फ़ोन में और अदर भी फ़ोन में यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और चार्जिंग एनिमेशन अच्छे से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।